हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदरंग क्रिएशन। सो हम आज एक और बॉर्डर डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखने जा रहे हैं। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत इजीली किसी को भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन बहुत एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सिंपल ही है। तो वीडियो में जाने के पहले मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, मतलब जो लोग सब्सक्राइब बिना करके वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मतलब मेरा वीडियो का 20 से भी कम लोग ही सब्सक्राइब किया है व्यूअर्स का, 80% से ज़्यादा लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। तो आज वीडियो पे चलते हैं। देखो, मैंने स्क्वायर वाला पेपर मेरे पास है इसलिए ले रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है यही पेपर से ही ड्रॉ करना है। एक्चुअली क्या है, मुझे कितना भी विड्थ चाहिए उस विड्थ में ड्रॉ कर सकता है। तो स्क्वायर पेपर है तो पैरेलल ड्रॉ करने का थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं ये पेपर ले रही हूँ। आपके पास नॉर्मल पेपर है तो ऐसे ही वो डिस्टेंस सेम, मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। फिर देखो, मैं सेंटर में, मतलब थोड़ा सा सेंटर जैसा ही वो ऐसे एक पासली डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, पूरा सेंटर में नहीं है, एक साइड में ही है, लेकिन ऐसे ही। देखो, कैसे भी हो आपको कैसे ड्रॉ हो पा रहा है उस वैसा ही आप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे ड्रॉ कर देना, ऐसे ही एक पासली डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है। देखो, वो बॉर्डर लाइन है ना, जस्ट में वो बॉर्डर पता होने के लिए कर रही है। मतलब वो बॉर्डर जो मैंने वो लाइन पैरेलल में ड्रॉ किया है उसमें वो एम्ब्रॉयडरी करने नहीं जा रही हूँ, तो जस्ट वो हमें वो पोजीशन पता करने के लिए, मैं ऐसे ही बॉर्डर पता करने के लिए, ठीक है, बॉर्डर पता करने के लिए मैंने वो लाइन्स ड्रॉ किया है। फिर ऐसे ही पास के डिज़ाइन के अंदर एक और ऐसे करके डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा पासली डिज़ाइन के अंदर जो भी डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन मेरे ही चैनल पे मैंने बहुत सारे दिखाए हैं, वो कोई भी कर सकता है। मैं तो अभी ऐसा ही कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो इसमें हथकड़ी जाली एम्ब्रॉयडरी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, फिर एक और पासली डिज़ाइन उसके साइड पे ऐसे कर रही हूँ। देखो, ऐसे वो लाइन जो भी है वो लाइन पे टच करके ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका टिप है, वो कोई भी साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, वो ऐसे बॉर्डर का वो लाइन हमने ड्रॉ किया है, दो लाइन दोनों साइड पे, वो उस पर टच होना चाहिए। फिर देखो, ये तो थोड़ा छोटा सा है, तो अंदर जितना हमने पहले पासली डिज़ाइन में ड्रॉ किया उतना तो नहीं हो पाएगा। हो पा रहे तो उतना ऐसे ही सेम टू सेम ड्रॉ कर देना, अभी नहीं हो रहे तो ऐसे ही मैंने जैसा जितना किया है अंदर थ्री ही किया है, तो टोटल थ्री ही करना, बड़े वाले में फोर है। एक ही ऐसे एक डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद देखो, मैंने इस ट्रेसिंग पेपर ले लिया। देखो, एक्चुअली मैंने बोला था वो पैरेलल लाइन है ना, वो हम एम्ब्रॉयडरी नहीं कर रहे हैं, वो डिज़ाइन एक्चुअली वो बॉर्डर पता करने के लिए है। तो मैंने भी एक्चुअली इधर देखो, एक ही साइड पे बॉर्डर का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि दोनों साइड में हो पाता तो अच्छा था, तो मैंने फिर वो दोनों साइड पे ड्रॉ किया था। ये वाला ड्रॉ करने पर एक ही साइड पे ही, मतलब वो एक ही साइड पे वो पैरेलल लाइन एक लाइन होगा तो भी ये पूरा कर सकता है, लेकिन दोनों साइड में है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आप कर रहे हैं तो ट्रेसिंग पेपर लेने के बाद पहले वो दोनों लाइन ड्रॉ कर देना, फिर ऐसा ही सेम ट्रेस कर देना। देखो, ऐसे ट्रेस कर दिया। फिर देखो, एक और ऊपर की ओर में एक और वो वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सेम टू सेम होने के लिए मैंने ऐसे ही एक बार पहले वो नॉर्मल पेपर में ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों के बीच में कितना स्पेस चाहिए वो आप डिसाइड कर सकता है, ऐसा नहीं है मैंने जितना लिया है वो सेम टू सेम ही कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसा ही मैंने दो दिन पहले एक डिज़ाइन ड्रॉ करके दिखाया था, उस पर भी मैंने बोला था जितना उसके बीच में स्पेस है वो कुछ भी कुछ डिज़ाइन करके हम ऐसे फिल करते हैं। फिर जो भी है एक डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया, फिर गैप में वो देखो मैंने वो दोनों साइड में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अभी कुछ ट्राई कर रही हूँ, देखो एक्चुअली इस वीडियो में ही मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने पहले वो ट्राई करके नहीं देखा है ये वाला डिज़ाइन, तो गैप का ऐसे ही लीफ ड्रॉ करें। देखो, जो भी लीफ साइड में है वो लाइन पे टच करके ही मैंने ड्रॉ किया है, वो हमेशा याद रखना, जो भी डिज़ाइन है वो लाइन पे टच करके ड्रॉ कर देना। अभी देखो, ये भी ऐसे लाइन ड्रॉ करें ना, वो मैं टच नहीं किया है, एक्चुअली वो टच करना करेंगे तो धोना कुछ तो पहले वाला स्टार्टिंग वाला कुछ लाइन्स तो ऐसे वो बॉर्डर लाइन पर टच हो जाएंगे तो अच्छा है।
फिर देखो जो भी है गैप है उधर ऐसे ही कुछ टेंटेकल जैसा कुछ ऐसे ही डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर इधर थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है देखो, वो भी मैंने वो बॉर्डर लाइन पे टच कर दिया है, ऐसा ही वो साइड में हो गया। ऐसे ही एक और जगह है तो वो एक लीफ ड्रॉ कर दी, बीच में लाइन है तो वो उधर भी एक छोटा सा ऐसे ऐसे कुछ मार कर दिया। फिर वो उधर भी गैप है तो उधर भी लीफ की जैसा ही डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। वो साइड में तो वो लाइन पे टच करते हुए ही मैंने वो डिजाइन ड्रॉ कर दिया, गैप है तो वो उधर भी ऐसे ही कर्व लाइन ड्रॉ कर दिया। बस देखो सो दोनों वो पार्सली डिजाइन के बीच में वो कोई भी जगह है वो सब ऐसे ऐसे फिल कर दिया। बस इतना ही काफ़ी है। ये वाला डिजाइन है ना ऐसे देखो, मैं ऐसे ही कपड़े में ड्रॉ कैसे करती हूँ वो दिखा रही हूँ। जो ऐसे एक्चुअली क्या करते हैं, ये वाला डिजाइन में हमने वो ट्रेसिंग पेपर में जो मोटिव पूरा ड्रॉ किया है उसमें ऐसे होल करके फिर ट्रेसिंग पाउडर से हम ऐसे एक एक के ऊपर करके कर सकता है, लेकिन सबके पास वो करना मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है, पिनिंग मशीन होना चाहिए। वो पिनिंग मशीन के साथ भी मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं तो इसे सिंपल कैसे कर सकता है वो दिखा रही हूँ। हमेशा ऐसे एक फ्रेम के अंदर कपड़े डाल के, मतलब शिफॉन कपड़ा है कुछ ऐसे ही सॉफ्ट कपड़ा है तो ऐसे ही फ्रेम के अंदर डाल के ही वो डिजाइन कर देना, नहीं तो ऐसे मुंह हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मोस्टली क्या करते हैं वो मग्गम फ्रेम होता है ना वुडन वाला बड़ा सा, उस फ्रेम में डाल के ही ड्रॉ करते हैं। देखो ऐसे ही एक बार ड्रॉ कर दिया, फिर वो डिजाइन नीचे वो ट्रेसिंग पेपर नीचे लगा के नीचे वाला देखो ऐसा ही ऐसे रह के एक पासली डिजाइन ओवरलैप होने की तरह रख के, सॉरी ट्रेसिंग पेपर ने हमारा वो कपड़ा नीचे ले लिया, फिर वो ऐसे ही बॉर्डर इक्वल होना चाहिए ऐसे करके, फिर देखो ऊपर वो डिजाइन हो गया, वो ऐसा ही ट्रेस करते हैं। ऐसा एक गम मिलता है वो क्या है वो हमारा टेबल में कुछ ऐसे लगा के सॉफ्ट कपड़ा है तो वो उसके ऊपर लगा के ऐसे अच्छे से चिपक जाएगा, ऐसे वो वाला गम का नाम मैंने भूल गया है, पहले मैंने यूज़ किया था, अभी पता नहीं वो कहाँ मिलता है, पहले तो मैंने लिया था केरला से, इधर मुझे पता भी नहीं, वो नाम भी भूल गया था। ऐसा ही एक गम के गम यूज़ करके भी हम ऐसे वो ट्रेस कर सकता है। देखो ऐसा ही है वो डिजाइन, बहुत प्यारा सा, देखो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये डिजाइन, बहुत अच्छा लगा है। तो ये वाला डिजाइन करके भी मैं दिखाऊंगी, एक दो दिन के अंदर ही वो डिजाइन कैसे करते वो वाला वीडियो भी डाल दूंगी। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगा तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो कर सकता है तो फॉलो करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।